फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक वड़ा। आप लोग तो बहुत तरह से वड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह के वड़े आप जरूर बना के ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं, और हरे भरे पालक का सीजन है तो पालक वड़ा बनाना तो बनता ही है। तो चलिए यम्मी और टेस्टी पालक वड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल में ये पोहा, इसे मैं सोक करने के लिए रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक ग्लास। इसे पानी में निकाल दूंगी। देखो पानी निकाल दिया है मैंने, अब इसे हम रख देंगे। तब तक सोक हो रहा है। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए पालक लिए हैं, इस तरह से कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये अदरक और 4 से 5 6 लहसुन की कलियाँ। और ये मीडियम साइज़ के मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम लोग ऐड कर देंगे पोहा जो हमने सोक किया हुआ था। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम बारीक कटा हुआ पालक। अब इसे मैंने जो आलू बॉईल किया था वो इसमें मैश कर देंगे एक एक करके। आलू से जो बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मिलता है। अब जो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च मैंने लिया था उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। अब मिक्सिंग बाउल में जो हमने आलू मैश किया था उसी में हम लोग ऐड कर देंगे ये लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और ये 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ऐड किया। अजवाइन जो है ऑप्शनल है, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, या 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पालक वड़े का। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा, क्रंची क्रंची। अब इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे हम एक एक बॉल बनाकर इसका हम वड़ा तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए एक वड़ा बनकर हमारा तैयार है। आप इसे टिक्की भी कह सकते हैं। एक एक करके मैं सारे वड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे वड़े मैंने बनकर तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दूंगी गर्म होने के लिए। अब इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके मैं पालक वड़े ऐड कर दूंगी। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से उलट पलट कर इसे फ्राई करना है। इसे हमें एकदम क्रंची और गोल्डन ब्राउन बनाना है। मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अंदर से सारे अच्छे से वड़े पक जाए। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है पालक वड़े। ये देखिए मैं इसे पलट ले रही हूँ। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं पालक वड़े। इसी तरह से सारे वड़े मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए पालक वड़ा हमारा यम्मी और टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार है। आप इसे सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, आपको जो पसंद हो आप इसको
इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, सर्द के मौसम में आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आप लोग मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।